उदयपुर शहर की बेटी तनिष्का पटवा भारतीय कैनोइंग टीम के लिए सेलेक्ट हो गई है। इस उपलब्धि के साथ ही उसने न सिर्फ उदयपुर का बल्कि प्रदेश का नाम भी दुनिया भर में रोशन किया है। भारतीय ड्रैगन बोर्ड के चेयरपर्सन दिलीप सिंह चौहान ने बताया कि जूनियर एवं अंडर 23 आयो में केनो स्प्रिट व सीनियर पेरो कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के 50 सदस्य की टीम उज्बेकिस्तान के लिए भोपाल से रवाना हुई। भारतीय टीम में उदयपुर की तनिष्का पटवा जूनियर अंडर 23 वर्ग में शामिल है। तनिष्का ने नियमित अभ्यास एवं खेल की संपूर्ण प्रशिक्षण उदयपुर से फतेह सागर झील पर संचालित रीजनल कायाकिंग कैनोइंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके प्रशिक्षक निश्चय सिंह चौहान द्वारा लिया गया है। उदयपुर की इस बेटी ने न सिर्फ उदयपुर शहर का बल्कि प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया है। अब यह उज्बेकिस्तान में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है और इन्हें उम्मीद है कि यह देश के लिए मेडल जीत के लाएगी। इसके साथ ही तनिष्का पटवा का कहना है कि इस चैंपियनशिप के बाद वह एशियन चैंपियनशिप के लिए भी तैयारी करने वाली है, जिसमें वह भारत को पदक दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करेगी।